हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज प्रवीण गुप्ता, दिस इज रवीना। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन क्लास कि हम शुरुआत से इंग्लिश कैसे में बेस्ट बात करें, कि हम इंग्लिश में बात करने के लिए कुछ फॉर्मल ग्रीटिंग्स और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का प्रयोग करना पड़ता है। जब भी हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हमें क्या बोलना है और जाते हुए क्या बोलते हैं, उनके आज हम ग्रीटिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो आप साथ साथ बात करेंगे, बोलेंगे, रिपीट करेंगे और आप इसको सीख जाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होता है और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होता है। फॉर्मल ग्रीटिंग्स का मीनिंग है कि यदि आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप कोई भी प्रोफेशनल पर्सन हो, आपको अपने बड़े सीनियर से बोलना है तो आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? फॉर्मल, जहां हमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। फॉर्मल मीन्स फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। और इनफॉर्मल का मीनिंग क्या होता है? इनफॉर्मल जहां हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ बोलते हैं, जैसे आप दोस्तों के साथ बोलते हो। तो हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स में क्या बोलेंगे? तो रवीना आपको बताएगी कि फॉर्मल ग्रीटिंग्स कैसे बोलते हैं। यस सर। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। एंड यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू डूइंग? आई एम आल्सो टू गुड। हाउ हैव यू बीन? हाउ हैव यू बीन? यू कैन से लाइक दिस विद एनीवन हु इज योर सीनियर, टीचर, प्रिंसिपल और एनीवन एल्स। ओके, Good morning. You can say whenever you are with your friends, with your teachers, with your seniors. First time you are saying in the morning time, you say good morning. Good afternoon. Or as you already know, these are very common. When you are in the afternoon, at that time you can say good afternoon. Good evening. Good evening. In the evening time you can say good evening. जब मिलते हैं तब good evening बोलना है, ध्यान रखना है। और जब हम depart होते हैं, जब जा रहे हैं, तब evening में तब हमें good night बोलना है। और इनफॉर्मल ग्रीटिंग जब आप फ्रेंडली से बात करते हो, अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, कैसे बोलते हैं? वेरी गुड। हाय। हाय। हे। हे। व्हाट्स अप? हाउ इज इट गोइंग? व्हाट्स न्यू? व्हाट हैव यू बीन अप टू? हाउ आर या? ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जब हमारी कॉन्वर्सेशन हो जाती है, बात करने के बाद हम लास्ट में जब उनको बाय बाय बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे। ये भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों है। जब आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, अपने बड़े सीनियर्स को बात करनी है, हमें उनको बाय बाय बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? फॉर्मल में हम क्या बोलेंगे? गुड बाय। गुड बाय। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। इट वॉज नाइस सीइंग यू अगेन। इट वॉज नाइस सीइंग यू अगेन। I look forward to seeing you again. I look forward to seeing you again. Take care. Good night. हम तब बोलेंगे जब इवनिंग में हम हमारी मीटिंग फिनिश हो जाती है उसके बाद। और इनफॉर्मल में हम दोस्तों के साथ, हम जैसे फ्रेंडली बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? Bye. सिंपल कहते बाय। नेक्स्ट, See you later. या see you soon, दोनों जाते हुए बोल सकते हैं। Talk to you later. बाद में बात करेंगे। Take it easy. I have got to get going. मुझे जाना है। I have got to run. मुझे जरूरी काम है। I have got to run. मुझे जाना पड़ेगा। और रियली इनफॉर्मल, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाए, बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल फ्रेंडली, जैसे स्लैंग हम यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या हम बोलेंगे? Check you later. I am out. Or I am out of here. दोनों में से क्यूज कर सकते हैं। Very good. I am off. I have got a take off. See ya. Peace. Very good. You are getting new different words that you can utilize while you are living. Very nice. That sounds great. Good job. फिर हम, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये तो होगी greetings, अब introduction. कि आप अपनी इंट्रोडक्शन कैसे दें। हमें बहुत बार अपना परिचय देना पड़ता है, इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है, इंग्लिश के अंदर बोलना पड़ता है, हेजिटेशन होती है, उसको हेजिटेशन को खत्म करने के लिए हमने ये अपना सेशन स्टार्ट किया है। तो अब हमने इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, जब भी आप किसी के सामने बात करते हो, क्लास में हो, ऑफिस में हो, या हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। यस रवीना। हेलो। Hello, I am Ravina. I am Praveen Gupta. Yeah, we can say, hey, I am
प्रवीण गुप्ता। ओके, यदि जैसे कि हमारे साथ कोई और दोस्त है तो हम उनको उसको इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं कि जैसे कि रवीना मेरे साथ है तो आप कैसे आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे? कोई और साथी है, कोई है तो हम क्या बोलेंगे? हेलो, दिस इज रवीना, सी इज माई को वर्कर, है ना? दिस इज रवीना, सी इज माई को वर्कर। और दूसरी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस मी? दिस इज प्रवीण, वेरी गुड। या एक दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू रवीना द को वर्कर एट क्लिक ऑन माइंड इंस्टीट्यूट एट सिरसा। या दूसरे तरीके से कहते हैं, आई वुड लाइक यू टू मीट रवीना हु इज ए को वर्कर एट क्लिक ऑन माइंड इंस्टीट्यूट। सेकेंड, इनफॉर्मल हम जब बात करते हैं हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज रवीना, दिस इज माई फ्रेंड, सिंपली दिस इज माई को वर्कर, राइट, दिस इज माई स्टूडेंट, इन एनी वे वी कैन से। एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन जैसे हम यूज कर सकते हैं, हाई आई एम एलिजाबेथ, एरिक्स कजिन, राइट, हे आई एम बेट्सी, आई एम द न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर, दिस इज कार्ल, ही इज आवर न्यू आई टी मैनेजर, दिस इज माई गर्लफ्रेंड पोला, आई वुड लाइक यू टू मीट Anna, she has been a friend of mine for 10 years. In this way, you can introduce yourself. Okay, आज हमने किया कि हमने अपने आपको greet कैसे करना है और bye कैसे करना है और अपने आपको introduce कैसे करना है। और आने वाली videos में हम थोड़ा detail में बात करेंगे। Thank you for joining and watching. और comment करना और like करना ना भूलें। Thank you very much. Thank you.